नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जनरल साइंस के बारे में। उसमें हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो हम लोग 19 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 19वां चैप्टर था हमारा भोजन एवं पोषण से संबंधित, ठीक है। अब 20वां चैप्टर है अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन्स, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं ना। आपको बता देते हैं कि ये सभी लेक्चर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में जो जनरल साइंस के नाम से सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक। ये ग्रंथि हो गई और ये हार्मोन का नाम हो गया, हार्मोन के कार हो गए। और अल्प श्रावण का प्रभाव होगा कमी से अति श्रावण का प्रभाव है, ठीक। अल्प कम और अति ज्यादा। तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ये शरीर में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण एवं वृद्धि करता है। इसके अल्प कम निकलने से बच्चों में जड़ मानवता, पेट बड़ा, त्वचा सूखी और वयस्कों में वृद्धावस्था के लक्षण दिखते हैं। और अति श्रावण से ऑक्सीकारक मेटाबॉलिज की दर, रुधिर दाब, ग्लूकोज व ओटू की खपत आदि का बढ़ना, थकावट, उच्चताप, घबराहट, कंपन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आदि। फिर पैरा थायराइड, इसमें हार्मोन्स का नाम है पैरा थार्मोन कैल्सीटोनिन। रुधिर में CAP कैल्शियम पोटेशियम की मात्रा का नियंत्रण, ECF में Ca2+ की मात्रा घटाना। इसकी कमी से पेशियां तथा तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना, कभी कभी पेशियों में स्थायी संकुचन से मृत्यु या टिटनेस रोग होता है। इसकी अधिकता से अस्थियों का गलकर कमजोर हो जाना, बहुस्मूत पेशियां कमजोर, वृक्कों में पथरी की संभावना होना, ठीक है। थाइमस ग्रंथि, इससे निकलता है थाइमस हार्मोन। इसका कार्य है वृद्धि एवं लैंगिक परिपक्वता पर प्रभाव, लिम्फोसाइट का उत्पादन करके उन्हें वितिरक्षी पदार्थों के संश्लेषण की प्रेरणा देना। इसकी कमी से कंकाल के निर्माण में रुकावट होती है और अधिकता से उपापचयी क्रियाएं अत्यंत तीव्र और मृत्यु हो सकती है। फिर पिट्यूटरी फ्यूज एडिनो हाइपो फाइसिस ग्रंथि, इससे निकलता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन SHSTH, या इसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इससे शरीर के आकार का नियंत्रण करता है। इसमें अगर कमी है, इसकी कमी तो बचपन में वृद्धि का रुकना है, इसकी कमी से होने वाला प्रभाव, और अधिकता से बचपन में अनुपातिक भीमकाय शरीर का होना, ठीक है। फिर है हमारा ट्रॉपिक हार्मोन। इसका काम है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण, और कमी से इसे थायरोक्सिन की कमी होती है और अधिकता से थायरोक्सिन की अधिकता। फिर है कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, एडिनल कार्टोक्स कॉर्टेक्स के श्रावण का नियंत्रण करते हैं। फिर है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, गोनोइड्स को उत्तेजित कर लैंगिक क्रियाशील को नियंत्रित करना, ठीक है। याद रखिए, अंडाशय का आकार क्षीण हो जाता है कमी से, लैंगिक परिपक्वता समय से पहले आना इसका लक्षण है अधिकता के कारण। फिर है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन FSH, शुक्रकीट निर्माण की क्रिया पर प्रभाव। फिर है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम को वृद्धि के लिए प्रेरित करना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिरोन तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के श्रवण को के लिए उत्तेजित करना। फिर है लैक्टोजेनिक हार्मोन LH, गर्भित मदाओं में दुग्ध का निर्माण तथा उसके श्रावण को प्रेरित करना। फिर इसकी कमी से है मादा में दूध का निर्माण नहीं होता, अधिकता से स्तनों का बड़ा हो जाना, असमय दूध बनना, ठीक है। फिर है न्यूरो हाइपोफाइसिस, वैसोपिसिन एंटीडायुरेटिक हार्मोन ADH, रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, गर्भाशय की अनैच्छिक मांसपेशियों। इसकी कमी से मूत्र का पतला व रुधिर का गाढ़ा हो जाता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है
और अधिकता से मूत्र का गाढ़ा होना, रुधिर का पतला होना। फिर है थाइटोसिन या ऑक्सीटोसिन के संकुचन का नियंत्रण। फिर है एडिनल कॉर्टेक्स, लिंग हार्मोन है। बाह्य जनन अंगों में भिन्नता द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कार्टिसोन या कार्टिकोस्टिरोन हार्मोन, वसा प्रोटीन ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण, पेशियों कमजोर और मृत्यु। फिर मिनरलोकोर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन, इसका कार्य शरीर में खनिजों लवणों की मात्रा को नियंत्रित करना और इसकी कमी से एडिशन का रोग, जल तथा एने सोडियम का उत्सर्जन का उत्सर्जन, शरीर का निर्जलीकरण और इसकी कमी से अधिकता से अस्थियों का गलना होता है। फिर है मेडुला ग्रंथि से एडिनिन, एडिनिलिन रक्तचाप में वृद्धि, रक्त शर्करा वृद्धि, हृदय स्पंदन वृद्धि नियंत्रण, ये इसका काम है। ठीक है, इसकी कमी से रुधिर दाब कम, खिन्न अवस्था और हाई से अगर जाना है तो हाइपर ग्लाइसीमिया से मधुमेह, जल की मात्रा, रुधिर दाब के बढ़ने से जगह जगह शरीर का फूलना, उच्च रुधिर दाब एवं तनाव। फिर है हमारा नॉरएडिनिलिन, मदा में जनन अंगों का परिवर्तन, गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण। फिर है पीनियल ग्रंथि, मेलेटोनिक सेरोटोनिक टोनिन, मनुष्य में कार्यों का ठीक पता नहीं। फिर है जनन ग्रंथि, एस्ट्रोजन हार्मोन है, गौण लैंगिक गर्भावस्था के लिए तैयार करना। प्रोजेस्टेरोन, इसका स्तन ग्रंथियों की वृद्धि का नियंत्रण करना। फिर है वेषण, रिलैक्सिन टेस्टोस्टेरोन, गर्भाशय मांसपेशियों को ढीला करना, प्रोटीन उपापचय में सहायक, नर्म लैंगिक अलक्षण, यौन प्रभाव का नियंत्रण, सौ प्रभाव का नियंत्रण। ठीक है, बात करते हैं अग्नाशय या लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इनसे इंसुलिन निकलता है, ग्लूकोज का उपापचय का नियंत्रण, इसकी अधिक कमी से मधुमेह, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाना, अम्लीयता में वृद्धि और अधिकता से ग्लूकोज की मात्रा की कमी से मस्तिष्क में उत्तेजन न होना, थकावट, बेहोशी, शरीर में ऐठन। फिर है आमाशय आंतीय श्लेष्मा, आमाशय तो ग्लूकागमोन गैस्ट्रिन सीक्रेटिन इससे निकलता है, इससे यकृत में ग्लाइकोजन निम्नीकरण का नियंत्रण, जटर रस स्राव का नियंत्रण अग्नाशय द्वारा, अकार्बनिक लवणों के स्राव का नियंत्रण। फिर है पेंकिया जाइमिन, अग्नाशय रस के स्राव का नियंत्रण करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय रस का के श्रावण के लिए उद्दीपन है, एंटीरोकाइनिन आदि की कोशिकाओं को पाचन रस स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है, एंटीरोगिस्टोन जठर रस के स्राव को बंद करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतरस्रावी तंत्र तथा इनकी कार्यप्रणाली के अंतर्गत अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अंतरस्रावी तंत्र का संबंध किससे, तंत्रिका तंत्र से। हार्मोन का आवश्यक मात्रा से कम श्रावण क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन। हार्मोन का अनावश्यक मात्रा से अधिक क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, मस्तिष्क का, हाइपोथैलेमस तथा अंतःस्रावी तंत्र से। शरीर की सभी ग्रंथियां किससे बनी होती हैं, एपिथीलियमी स्तरों के बलों से। कशेरुकियों में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, तीन। किन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ इनकी वाहिकाओं में बहकर संबंधित अंग विशेष में ही जाते हैं, वाहिस्रावी ग्रंथियों में। ठीक है, याद रखिए बाह्यस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वाहिनी युक्त ग्रंथियां। ठीक है, आगे बात करते हैं लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां।
श्वेत ग्रंथियां किसका उदाहरण है? बाह्य स्रावी ग्रंथियां का। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नलिकाविहीन ग्रंथियां। नलिकाविहीन ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन्स। किन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ ऊतक द्रव्य के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलता है? अंतःस्रावी तंत्र से। थायराइड ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है? अंतःस्रावी ग्रंथि। आगे बात करते हैं, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि किस प्रकार की है? अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिका युक्त ग्रंथियां जिसमें जिनमें वही एवं अंतःस्रावी दोनों ही प्रकार के भाग या कोशिकाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? मिश्रित ग्रंथि। उदर उदर किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण? मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय में किस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है? मिश्रित ग्रंथि। रासायनिक स्तर पर हार्मोन मुख्यतः किससे के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं? स्टीरॉइड्स या प्रोटीन्स या प्रोटीन्स के व्युत्पन्न पदार्थ। एस्टीरोइडस हार्मोन का आधार पदार्थ क्या है? कोलेस्ट्रॉल। स्थानीय हार्मोन्स किसे कहते हैं? काइनिन्स। ऑक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। कौन से पादप हार्मोन्स की प्राप्ति कवक से प्राप्त होती है? जिबरेलिन। ऑक्सिन की सहायता से कौन सा कोशा विभाजन में उद्दीपन कौन से पदार्थ करते हैं? साइटोकाइनिन। एथाइलीन क्या है? फल पकाने वाला एवं वृद्धि रोधक हार्मोन। चलिए, तो ये था हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन होते थे, हार्मोन उनके कार्य और अधिकता और कमी से होने वाले प्रभाव। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इसमें अगले में विटामिन। ठीक है, 21वां चैप्टर।